और ये आप कैसे केजी चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? खास्ता। खास्ता, इसका क्या केजी चल रहा है अभी? 100 से 120 रुपया। और ये बेसन की पापड़ी, ये हो गया बेसन की पापड़ी। इसका प्राइस, इसका प्राइस 140 रुपये किलो पड़ेगा। और ये हलवा, ये दूध का हलवा कैसे पड़ेगा? मजा आया। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से भाई आपका हाजिर हो चुका है एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लेकर और कुछ मज़ेदार व्लॉग लेकर। जी हाँ, आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि सोनपुर का बहुत ही मशहूर मिठाई है, जो कि पूरे सोनपुर में हर साल आपको यह जरूर मिलेगा और यहाँ से लोग दूर दूर तक यहाँ ये सामान ले जाते हैं खाने का। मीठा भी है, नमकीन भी है, कुरकुरे भी है और हलवा भी है, हर चीज़ यहाँ मिल जाएगा। और सबसे प्लस बड़ी बात मैं बता दूँ कि यहाँ आपको ताज़ा मिलता है, बनाया हुआ ताज़ा बनता है और आपको मिलेगा सोनपुर मेले की, ये सबसे बड़ी खासियत है। हमारे साथ एक भैया है दुकानदार साहब, उनसे हम लोग पूछते हैं, चलिए इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं कि कहाँ के हैं और इसमें कैसे कैसे बनता है, क्या प्राइस है। भैया से हम लोग जानकारी लेते हैं, आपको बताते हैं। भैया आप अपना नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अमीन है। अमीन, कहाँ से आप आए हैं? बहराइच यूपी से। बहराइच यूपी से हर साल आते हैं? चलिए भैया हमारे बहराइच यूपी के हैं और हर साल आते हैं। ये तो सोनपुर में हर साल मिलता है, काफी फेमस मिठाई है सोनपुर का। ये किस चीज का बनता है? ये चीनी है, मैदा है, मावा है, दूध है, डालडा। चीनी, मेवा, मावा, मावा, दूध, डालडा, ये सबका। अच्छा, इसमें भैया मिनिमम प्राइस क्या है, सबसे कम और ज्यादा से ज्यादा प्राइस क्या है ये इसका, जो इसे क्या कहते हैं? 20 रुपये किलो है सबसे कम और ज्यादा 200 रुपया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें कौन सा, कैसे पता चलेगा कौन सा ये है? 200 वाले में क्या मावा ज्यादा है कि दूध ज्यादा है? 120 वाले में थोड़ा कम है ना। और ये आप कैसे केजी चल रहा है, इसको क्या कहेंगे? खास्ता। खास्ता, इसका क्या केजी चल रहा है अभी? 100 से 120 रुपया। और ये बेसन की पापड़ी, ये हो गया बेसन की पापड़ी। इसका प्राइस, इसका प्राइस 140 रुपये किलो पड़ेगा। और ये हलवा, ये दूध का हलवा कैसे पड़ेगा? 240। ये दूध का हलवा है, मैंने खाया है, बहुत ही टेस्टी होता है। ये 240 रुपये किलो मिलेगा। और फिर से मैं बता दूँ, 120 रुपये मिनिमम प्राइस है पापड़ी का। किस किस का बना होता है मैंने आपको दिखा दिया, और दूध का भी। और इसमें सबसे जो महंगा है वो 200 रुपये किलो का है। बेसन का पापड़ी है, दूध का हलवा है और खास्ता है। इन सारी चीज़ों का मैंने आपको प्राइस बताया। सबसे प्लस पॉइंट मैंने फिर बता दूँ एक बार, यहाँ जो भी बनता है बिल्कुल ही ताज़ा आपको बनाकर दिया जाता है। आप देखिए, यहाँ तैयार होता है और बाहर बिकता है। पहले का स्टॉक इन लोगों का नहीं रहता है, तुरंत निकालते हैं, तैयार करते हैं। भैया तेल वगैरह सब बढ़िया है ना? सब एक नंबर तेल है। जी हाँ जी, देखिए एकदम बढ़िया तेल है। रुचि नंबर, रुचि का ऑयल, रिफाइन ऑयल वगैरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत सारे वर्कर है। आप लोग कहाँ के हैं भैया वर्कर? आप लोग बहराइच के ही, यूपी के ही? सारे जो वर्कर है वो लोग भी बहराइच और यूपी के ही है। तो मैं फिर से बता दूँ, ये जो मिठाई आप देख रहे हैं, ये सोनपुर का जान है। आपको सबसे ज़्यादा कोई एक ही मिठाई मिलेगा, वो है ये मिठाई। मैंने प्राइस बता दिया, अगर आपने कभी टेस्ट नहीं किया है तो एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का, चाहे वो हलवा हो, खास्ता हो या पापड़ी हो। बेसन का तो मैंने नहीं खाया इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सबको मैंने यूज किया है, बहुत ही अच्छा होता है। तो चलिए, कैसा लगा ये व्लॉग आप हमें बताइए। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं अपने अमीन अंकल का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने इन्फॉर्मेटिव व्लॉग दिया, मुझे जानकारी दिया, आपका दिल से शुक्रिया। चलिए इसी तरीके से बहुत सारे ब्लॉग अभी कंटिन्यू लाता रहूँगा, तो हमारे साथ बने रहिए। अपना ख्याल रखिए। टिल देन, बाय।